एक अजीब सा नशा था उसकी झूठी बातों में। वक्त गुजरता गया और वो आधी होते गई। टेलीविजन इंडस्ट्री में जहां मातम का माहौल छाया हुआ है, एक्ट्रेस दिव्या भटनागर के निधन से, वहीं उनकी शादी और उनके पति गगन सिंह पर कई सारे सवाल उठाए गए हैं। तो चलिए जानते हैं दिव्या के सफरनामा की कहानी। 15 सितंबर 1986 में दिल्ली में जन्मी दिव्या भटनागर अपने माँ बाप के आंखों का तारा। अपने कॉलेज के दिनों से ही दिव्या एक्टिंग में माहिर थी। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कॉलेज के दिनों में दिव्या एक प्ले का हिस्सा बनी और उनकी बेहतरीन एक्टिंग देखने के बाद उनका सिलेक्शन हुआ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में और फिर धीरे धीरे दिव्या का एक्टिंग करियर शुरू हुआ। छोटे पर्दे पर 2006 में सीरियल चांद के पार चलो से अपने करियर की शुरुआत की, पर उन्हें पहचान मिली सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में गुलाबों के किरदार से। उसके बाद उड़ान, जीत गई तो पिया मोरे और विश जैसे टीवी सीरियल्स में नजर आई। और फिर दिव्या की लव लाइफ की खबर आने लगी। जी हाँ, दिव्या भटनागर ने बीते साल अपने बॉयफ्रेंड गगन से शादी की थी। लंबे समय तक रिलेशन में रहने के बाद दोनों ने सात फेरे लिए थे। गगन ने खुद को सेलिब्रिटी मैनेजर बताया था। दिव्या ने अपने परिजनों के खिलाफ जाकर गगन से शादी की थी। उनका परिवार इस शादी के सख्त खिलाफ था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा भी बताया गया कि अलग धर्म के चलते घर वाले इस शादी के राजी नहीं थे, लेकिन दिव्या ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और गुरुद्वारे में जाकर दोनों ने शादी कर ली। इस दौरान उनके परिवार का कोई सदस्य भी वहां मौजूद नहीं था, इसमें सिर्फ उनके करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे। और फिर दिव्या 2020 की सबसे बड़ी महामारी का शिकार हुई, जिस वजह से दिव्या ने दुनिया को कहा अलविदा। न्यूज पोर्टल जागरण की रिपोर्ट की माने तो कोविड 19 के ट्रीटमेंट के चलते उन्हें गोरेगांव के SRV हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। दिव्या की हालत गंभीर बताई जा रही थी। उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, जिस वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। वेंटिलेटर पर कई दिन जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही एक्ट्रेस इस लड़ाई को जीत नहीं सकी और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दिव्या के दोस्त युवराज रघुवंशी ने एक्ट्रेस के निधन की खबर को कंफर्म किया। स्पॉट बॉय से बातचीत में युवराज ने बताया कि दिव्या का निधन सुबह 3 बजे हुआ है। दिव्या को सेवन हिल्स हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था। रात अचानक 2 बजे उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद 3 बजे डॉक्टर ने बता दिया कि दिव्या अब इस दुनिया में नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में दिव्या की माँ ने दिव्या के पति गगन पर गंभीर आरोप लगाए थे। माँ ने बताया था, दिव्या के पति गगन फ्रॉड है, वो एक्ट्रेस को छोड़कर चले गए और उन्होंने एक्ट्रेस की हेल्थ के बारे में भी नहीं पूछा। माँ ने कहा था, दिव्या ने हमारी जानकारी के बिना शादी की थी, हम इस शादी के विरोध में थे। दिव्या पहले मीरा रोड पर एक बड़े घर में रहती थी, लेकिन शादी के बाद वो ओशीवारा में एक छोटे से घर में रहने लगी। उसका पति भी फ्रॉड निकला, उसे छोड़कर चला गया। वहीं उनके पति गगन ने इन सारे इल्जामों को गलत बताते हुए एक वीडियो के जरिए कहा, जिस तरह की बातें मेरे लिए स्प्रेड करी जा रही है कि मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूँ, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या कोरोना मैंने करा उसको? मैं जब घर पे अवेलेबल नहीं हूं, मैं बाहर हूं, मैं काम से बाहर आ रखा हूं और अब मुझे उससे मिलने के लिए मना करा जा रहा है। मैं जिस जगह भी कॉल कर रहा हूं, जिस जगह बात कर रहा हूं, हॉस्पिटल में ट्राई कर रहा हूं बात करने की, साफ मना कर दिया कि मेरी फैमिली से मुझसे उसकी बात ना कराई जाए, ना हमें मिलने दिया जाए। बहुत फ्रेंड्स के थ्रू मैंने उस तक बात पहुंचाने की कोशिश करी, पर दिव्या तक कोई बात नहीं पहुंच रही है। उसकी मदर और उसके ब्रदर क्या बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं, अगर वो उसमें खुश हैं वो बोले, वो करें। दिव्या क्या सोचती है, दिव्या क्या बोलती है वो मैटर करता है, उसकी मम्मी क्या बोलती है वो मैटर नहीं करता, सबसे पहली बात है। और मैं कहीं भागा नहीं हूं। मैं उसकी मदर उसके ब्रदर से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि वो लोग पिछले 6 साल से, लगभग 6 सालों से कहां पर थे?
दिव्या क्या खा रही है, क्या पहन रही है, कहाँ रह रही है, कैसे रह रही है, क्या हो रहा है, कुछ पता था उनको? अब अचानक से वो बीच में आकर के मुझे फ्रॉड कह रही, बिकॉज वो शुरू से ही हमारी शादी के अगेंस्ट थी, फर्स्ट डे से ही शादी के अगेंस्ट हमारे थी। वो नहीं चाहती थी कि हमारी शादी हो। अगर आप आज से एक साल पहले की न्यूज देखें, वहां पर जाकर अगर चेक करें, तो उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें मेरी या दिव्या की फैमिली इन्वॉल्व नहीं थी शादी में। हम दोनों ने अपनी मर्जी शादी करी थी। हम लोग 5 साल से लिविंग रिलेशनशिप में थे, लास्ट ईयर हम लोगों ने शादी करी एंड वी आर अ हैप्पी कपल। दिव्या के करीबी दोस्त देवोलीना ने भी दिव्या के हस्बैंड को चेतावनी देते हुए एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो काफी इमोशनल भी थी और गुस्से में भी थी। देवोलीना ने वीडियो में कहा, मैं खुद इतनी इमोशनल हूँ तो मेरा मेरा 1000 गुना थी। आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ, बहुत जरूरी है ये बनाना, स्पेशली उस इंसान के लिए जिसके वजह से मेरी दिव्या ने इतना सफर किया। आई नो कि आज दिव्या के साथ जो भी हुआ, दिव्या हमारे बीच में नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ कोविड, बट जो मेंटल स्ट्रेस, जो फिजिकल अब्यूज उसके साथ हुआ है, कोई भी इंसान अगर उस फेज से गुजरता तो छोटी सी एक बीमारी से भी लड़ने की उस इंसान के पास ताकत नहीं होती है। तो फिर भी कोविड था, तुझे मैंने ऊपर से नीचे तक एक्सपोज नहीं किया ना, तो फिर तू बता मुझे। तो तेरे अगेंस्ट जो हम लोग खड़े थे वो इसके लिए गगन गबरू, क्योंकि तू मॉलेस्टेशन एक केस में, शिमला में तेरे ऊपर केस चल रहा था और जिसकी सजा 6 महीने जेल में रह के तू लास्ट ईयर भुगत के आया है, वो भी बेल पे, और अभी कभी भी तू अंदर फिर से जा सकता है और अभी तू जाएगा ही, क्योंकि तूने जो मारपीट की है दिव्या के साथ इतने सालों तक, तूने जो टॉर्चर किया है, मेंटल टॉर्चर, जिसकी वजह से वो इतनी स्ट्रेस्ड में आ गई, इतनी बीमार पड़ गई, उसको डायबिटीज हो गया, हर एक चीज तेरे वजह से हुआ है जो तूने उसको टॉर्चर किया है। तुझे क्या लगा कि दिव्या चली गई तो तू अभी अय्याशी करेगा तेरी गर्लफ्रेंड्स के साथ? तो सुनो, सो कॉल गर्लफ्रेंड्स जो दिल्ली में और कहां कहां तुम लोग बैठे हो ना, भलाई तो इसी में ही है कि तुम लोग भी इसके ऊपर एनसी करके सेफ हो जाओ, क्योंकि कहीं ये ना हो आज दिव्या है और कल दिव्या के जगह पे तुम लोग हो जाओ। सो अपने आप को बचा लो और इसके ऊपर एक एनसी करके डाल दो। और अब दिव्या के चले जाने के बाद दिव्या के भाई देवेश भटनागर का कहना है कि उनकी बहन ने 7 नवंबर को एक लेटर लिखा था जो अब उनकी अलमारी में मिला है। इस लेटर में दिव्या ने शादीशुदा जिंदगी से जुड़ी कई हैरान कर देने वाली बातों के बारे में लिखा है। दिव्या ने लेटर में उन परेशानियों का भी जिक्र किया है जो वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में झेल रही थी। देवेश का कहना है कि दिव्या ने लेटर में अपने पति गगन गबरू को लेकर लिखा है कि वो उन्हें परेशान किया करता था। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में दिव्या के भाई देव ने कहा, गगन शादी होने के बाद से ही दिव्या को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने लगा था। दिव्या ने 7 नवंबर को एक लेटर भी लिखा था जिसमें उन्होंने बताया है कि गगन उनके साथ मारपीट और गाली गलौज करता था। हमें कल ही उनकी अलमारी में ये लेटर मिला है। वो पुलिस के पास भी गई थी और 16 नवंबर को गगन के खिलाफ ANC फाइल की थी जिसमें उन्होंने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। जब मैं अस्पताल में उनसे बात करने गया तो मैंने उन्हें कहा कि मजबूत बनी रहो। अब दिव्या के साथ क्या हुआ इसका खुलासा तो जल्द हो जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि दिव्या की आत्मा को शांति मिले और भगवान उनके परिवार को इस बुरे वक्त से लड़ने की शक्ति दे।